तीर्थ नगरी मथुरा के वृंदावन स्थित वात्सल्य ग्राम में षष्ठी पूर्ति महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इसमें शामिल होने के लिए केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां पहुंचे हैं। इस मौके पर रक्षा मंत्री और सीएम ने देश की बालिकाओं को पहला बालिका सैनिक स्कूल समर्पित किया। वृंदावन स्थित वात्सल्य ग्राम में साध्वी रितंबरा की 60वें जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में षष्ठी पूर्ति महोत्सव आयोजित किया जा रहा है। इसी मौके पर स्कूल का लोकार्पण किया गया है। वात्सल्य ग्राम में बनी इस स्कूल का नाम संविद गुरुकुलम गर्ल्स सैनिक स्कूल रखा गया है। छठी कक्षा से लेकर की कक्षा 12वीं तक संचालित होने से हो रही इस स्कूल में 120 बेटियां शिक्षा लेंगी। और आज एक नया कार्यक्रम का शुभारंभ भी यहां हो रहा है। वात्सल्य धाम में बालिकाओं के सैनिक स्कूल का शुभारंभ भी हो रहा है और माननीय रक्षा मंत्री जी के कर कमलों से भी उसका उद्घाटन पूज्य संत महामंडलेश्वर पूज्य स्वामी परमानंद गिरी जी महाराज के कर कमलों से माननीय रक्षा मंत्री जी के सानिध्य में आज यहाँ पर संपन्न हुआ है। यदि मैं यह कहूं कि राम जन्मभूमि को आंदोलन को धार देने का काम यदि किसी ने किया है तो निस्संदेह यह कहा जा सकता है पूज्य दीदी माँ साध्वी रितंबरा जी ने किया। आज की भाग दौड़ की जिंदगी में जहां लोगों को खुद के लिए समय बहुत ही मुश्किल से मिल पाता है, उस दौर में एक ऐसी पीठ का संचालन करना जो खुद के लिए नहीं बल्कि समाज के उत्थान के लिए कार्य करती हो, यह अपने आप में मैं मानता हूं कि बहुत बड़ी बात है। पूज्य दीदी रितंबरा जी समाज को ही इन्होंने अपना परिवार मान लिया है।